हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ इंडियन फूड में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है रवा टोस्ट। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम रवा टोस्ट बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 1 कप रवा ले रखा है, मैं इसमें रवा डालूँगी। ये मैंने 3 टमाटर काट रखे हैं छोटे छोटे साइज में, से मैं इसमें ऐड करूँगी। ये मैंने 3 प्याज काट रखे हैं छोटे साइज में, इसे भी इसमें ऐड करूँगी। ये मैंने लाल मिर्च पाउडर ले रखा है 1 छोटा चम्मच, इसमें ऐड करूँगी। ये मैंने 1.5 छोटी चम्मच नमक ले रखी है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो, इसे मैंने ऐड करूँगी। और ये मैं आधी कटोरी से ज़्यादा मैंने दही ले रखा है, दही को भी मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये मैंने हरा धनिया काट कर रखा है जिसे मैंने पहले से ही धो लिया है, इसे भी मैं ऐड करूँगी। और ये मैंने घी ले रखा है ब्रेड को सेकने के लिए। और ये मैंने 4 ब्रेड ले रखा है, आप वाइट और ब्राउन कोई भी ब्रेड यूज़ कर सकते हो, मैंने ब्राउन ब्रेड यूज़ किया। और फ्रेंड्स, मैं इसे अच्छे से हिला लूँगी इन सभी चीज़ों को। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे इन सभी मिक्सचर को अच्छे से मिला लिया है। ये अभी सूखा है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसे एक बार दोबारा अच्छे से चलाऊँगी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मिक्सर हमारा बनकर तैयार है। अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख दूँगी ताकि हमारी सूजी फूल सके। चलिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुका है, एक बार हम सूजी को अच्छे से चला लेंगे। हमारी सूजी फूल कर तैयार है। अब मैं इस एक प्लेट पे सूजी के मिक्सचर को अच्छे से लगाऊंगी। इसी तरीके से मैं दूसरे ब्रेड पे भी मिश्रण को लगाऊंगी। मिश्रण को ब्रेड पे एक ही तरफ लगानी है। और मैंने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इस पर घी लगाऊंगी। आप मक्खन का भी यूज़ कर सकते हैं। और घी हमारा गर्म हो चुका है फ्रेंड्स। जिस तरफ मैंने रवा का मिश्रण लगाया है उसी तरफ मैं इसे पलट कर अच्छे से सेकने के लिए रख दूंगी और फ्लेम को मीडियम रखूंगी। और ब्रेड के ऊपरी साइड में भी मैं इस पर थोड़ा घी लगाऊंगी। ब्रेड को हम दोनों तरफ से सेकेंगे। फ्रेंड्स, हम ब्रेड को एक बार पलट कर देख लेते हैं हमारा ब्रेड पका है कि नहीं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ब्रेड हमारा थोड़ा थोड़ा रेड हो चुका है। मैं आँच को थोड़ा सा
मैंने बीच में आँच को कम कर दिया था, मैं थोड़ा इसे मीडियम करूँगी और इसे अच्छे तरीके से दूसरे तरफ से भी रेड होने दूँगी। इसे थोड़ा सा मैं ऐसे दबाऊँगी। चलिए फ्रेंड्स, हम ब्रेड को दूसरे तरफ से पलट लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ब्रेड एक तरफ सीख चुका है, दूसरी तरफ मैंने थोड़ा कम रेड हुआ है तो मैं उसे थोड़ा और रेड करूँगी। इसे हम क्रिस्पी होने तक रेड होने देंगे। फ्रेंड्स, हमारा दोनों तरफ से ब्रेड सीख कर तैयार है। इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और सेम इसी तरीके से मैं दोबारा सभी ब्रेडों को अच्छे से सेक लूँगी। इसे भी मैं सेम वैसे ही क्रिस्पी करूँगी। आँच को थोड़ा सा मैं मीडियम रखूँगी। फ्रेंड्स, हमारा दूसरा ब्रेड भी सेक कर तैयार है। इसे भी मैं फ्लेम बंद कर दूंगी। इसी तरीके से मैं सभी ब्रेड को बना लूंगी और इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सूजी का टोस्ट बनकर तैयार है। ये बहुत ही इजी रेसिपी है फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट जरूर करें मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।